करते हैं आप पांच के पंच की तीसरी खबर की। आपको बता दें कांग्रेस ने कर्नाटक, मध्य प्रदेश और तेलंगाना से अपने राज्यसभा के उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। जी हां, पार्टी ने कर्नाटक से अजय माकन, डॉक्टर सैयद नसीर हुसैन और जीसी चंद्रशेखर को उम्मीदवार बनाया है। मध्य प्रदेश से अशोक सिंह को उम्मीदवार बनाया गया है। तेलंगाना से रेणुका चौधरी और एम अनिल कुमार यादव को राज्यसभा का उम्मीदवार बनाया गया है। वहीं कांग्रेस ने 27 फरवरी से होने वाले राज्यसभा चुनाव के लिए अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है। इसमें चार राज्यों के चार प्रत्याशियों के नाम हैं। वहीं राजस्थान से सोनिया गांधी के अलावा हिमाचल प्रदेश से अभिषेक मनु सिंघवी, बिहार से डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह और महाराष्ट्र से चंद्रकांत हंडोरे को प्रत्याशी बनाया गया है। इधर भाजपा ने भी बुधवार को दो लिस्ट जारी कर दी है। पहली लिस्ट में पांच नाम है। वहीं बात करें ओडिशा की तो ओडिशा से रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, मध्य प्रदेश से केंद्रीय मंत्री एल मुरुगन और उमेश नाथ महाराज, माया नारोलिया और बंसीलाल गुर्जर का नाम शामिल है। वहीं वैष्णव को ओडिशा से बीजेपी ने समर्थन का ऐलान कर दिया है। इसके बाद बुधवार दोपहर में सात नामों की दूसरी लिस्ट आई। इसमें गुजरात से पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा, गोविंद भाई ढोलकिया, मयंक भाई नायक, जसवंत सिंह, सलाम सिंह परमार का नाम भी इसमें शामिल है। इसके अलावा महाराष्ट्र से तीन नाम शामिल हैं। इनमें एक दिन पहले कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आए पूर्व सीएम अशोक चौहान, मेधा कुलकर्णी और अजीत गोलछेड़े का नाम भी शामिल है। भाजपा ने अब तक 26 प्रत्याशियों के नाम घोषित कर दिए हैं। तो बीजेपी ने 26 नाम घोषित कर दिए। एक बार फिर से आपको बता दें राज्यसभा की रेस में राज्यसभा चुनाव के लिए नामों का भी ऐलान कर दिया गया है। तो बीजेपी कांग्रेस ने ऐलान कर दिया उम्मीदवार। आपको बता दें सोनिया गांधी राजस्थान से उम्मीदवार बनाई गई हैं कांग्रेस की ओर से। राज्यसभा चुनाव के लिए नामों का दोनों ही पार्टी ने ऐलान कर दिया है। बीजेपी ने आपको एक बार फिर से बता दें 26 लोगों के नामों का ऐलान किया है। राज्यसभा चुनाव के लिए दोनों ही पार्टियों ने नामों का ऐलान करना शुरू कर दिया है और उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। राज्यसभा की रेस की बात करें तो यहां पर बीजेपी ने 26 नाम घोषित किए हैं। तो बीजेपी कांग्रेस ने ऐलान किए हैं उम्मीदवार। आपको एक बार फिर से बता दें राज्यसभा की रेस में बीजेपी ने 26 नाम घोषित किए हैं। राज्यसभा चुनाव के लिए नामों का ऐलान कर दिया गया है। राज्यसभा की रेस की बात करें तो बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने ही उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। तो आपको एक बार फिर से बता दें कि राज्यसभा की रेस शुरू हो चुकी है। बीजेपी ने 26 नाम घोषित कर दिए हैं। राज्यसभा चुनाव के लिए नामों का ऐलान कर दिया गया है। एक बार फिर से आपको बता दें यहां पर बीजेपी कांग्रेस ने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। बीजेपी ने 26 नाम घोषित किए हैं। एक बार फिर से आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में 27 फरवरी को राज्यसभा की पांच सीटों पर
चुनाव के लिए कांग्रेस ने अशोक सिंह को प्रत्याशी बनाया है। इससे पहले बीजेपी ने बुधवार सुबह 4 उम्मीदवारों को नामों का ऐलान किया था। इसमें केंद्रीय मंत्री एल मुरुगन, उमेश नाथ महाराज, माया नरोलिया और बंसीलाल गुर्जर का नाम शामिल है। और बता दें कि वोटों की गणित की अगर बात करें तो यहां पर वोटों की गणित के हिसाब से 4 सीटों पर बीजेपी प्रत्याशी 1 सीट पर और वही कांग्रेस प्रत्याशी को चुना जाना माना जा रहा है। के लिए उनको उम्मीदवार बनाया गया है। नेता प्रतिपक्ष भी यहाँ है, कल की तैयारियां भी शुरू हो चुकी है, वो तस्वीर भी आप देख सकते हैं। सर, एक तो सबसे पहले क्या कहना चाहेंगे, पार्टी ने आपको राज्यसभा के लिए नाम जो है उम्मीदवार बनाया है। नेतृत्व आदरणीय सभी लोगों को देते आभार प्रकट करता हूं, मुझे ये सम्मान दिलाने में मदद की। प्रयासों की बात होती थी, इनका नाम, उन बड़े नेताओं का नाम, सारे नेताओं के बीच में कांग्रेस ने भी थोड़ा चौंकाया, बीजेपी तो चौंकाती रही है, कांग्रेस भी थोड़ा चौंकाई है इस बार, क्योंकि आप या आपकी तरफ से भी एफर्ट नहीं थे और चर्चा में भी नहीं था आपका जी। नहीं नहीं, अभी जो वरिष्ठ नेतृत्व है और प्रदेश के नेतृत्व ने मुझे जो विश्वास दिया, मेरे में रखा है, मेरा प्रयास होगा कि मैं कार्यकर्ताओं की अपेक्षाओं के अनुरूप कार्य कर सकूं। तैयारियां पूरी है क्योंकि समय कम ही बचा है, कल ही आपको सारी फॉर्मेलिटीज करनी है। उसी तैयारियों के सिलसिले में आदरणीय सीएलपी लीडर हमारे उमंग सिंघार जी से मैं मिलने आया हूँ। एक आखिरी सवाल है सर, कल काफी फॉर्म वॉर्म पे कल हमने देखा था कि सिग्नेचर कराए गए थे विधायकों के, उसके पहले आपको जानकारी थी या नहीं थी? नहीं नहीं, अभी ये तो अभी तय हुआ है, अभी तय किया है कि कौन उम्मीदवार होगा। तो ग्वालियर चंबल को एक बड़ा प्रतिनिधित्व मिला है, ग्वालियर चंबल को जो है रिप्रेजेंट करने की भी कोशिश है एक तरह से अपर हाउस में। ये बिल्कुल अच्छा प्रयास है कि मध्य प्रदेश के सभी क्षेत्रों से प्रतिनिधित्व रहे। उमंग सिंघार जी हैं सर, पूरी फॉर्मेलिटीज लगभग आपने पहले से तैयारियां कर रखी थी पूरी जी? तो कल आज सुबह जब हम सारे लोगों से बात कर रहे थे तो बड़ा सस्पेंस बना हुआ है, तो ये इंडिकेशन आपको था कि नहीं था? देखिए, अब स्वाभाविक है, पार्टी किसी महत्वपूर्ण पद पे है तो सब चीजें की एक जानकारी तो रहती है, चर्चाएं किसके किसके नाम चल रहे हैं। लेकिन हमने ग्वालियर से एक अशोक सिंह जी, एक नामी ग्रामी नाम है उस क्षेत्र में और प्रदेश के अंदर, उन्होंने बड़ी एक पार्टी को अच्छा एक सहयोग दिया हमेशा, और सिंधिया के सामने हमें एक शेर तैयार करना था, एक शेर हमने तैयार करके कांग्रेस पार्टी ने सिंधिया के सामने दिया। तो एक मतलब निश्चित रूप से अभी भी ज्योतिरादित्य सिंधिया एक टारगेट है ही वहां पर आपके लिए। अब जो स्वाभाविक है, जो कांग्रेस से बाहर है, कांग्रेस से अब जितना उन्होंने कांग्रेस ने दिया तो निश्चित तौर से वो कहीं ना कहीं उनसे त्रुटि हुई है, तो हमें उसकी भरपाई करनी थी, अशोक सिंह के रूप में हमने भरपाई कर दी। बड़ा चौंकाया आपके विधायक भी चौंके हुए थे, नाम था नहीं फॉर्म के ऊपर और सबने सिग्नेचर कर दिए थे। देखिए, सब पार्टी हाईकमान में विश्वास रखते हैं और निश्चित तौर से ये एक खानापूर्ति है, ऐसा नहीं है कि किसी विधायक को अविश्वास में लेके काम किया जा रहा, सभी विधायकों को विश्वास में लेके, अब पढ़े लिखे समझदार विधायक है, अब ऐसा तो ही नहीं कि अंगूठा छाप पे कि चाहे यहाँ साइन करते, तो जवाबदारी सब समझते, पार्टी के प्रति सबकी निष्ठा है। एक आखिरी सवाल ये है सर इस पूरे संदर्भ में, वो ये कि बाकी के जो 4 बीजेपी ने कैंडिडेट अपना डिक्लेयर किया है उसमें कहीं आप लोग चैलेंज नहीं करेंगे, आपका एक ही नॉमिनेशन जो एक रहेगा फाइल जो होगा, क्या इलेक्शन जैसी स्थिति नहीं बनेगी? अब देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो हमेशा तोड़फोड़ करती है और हमारे सब विधायक जागरूक हैं और निश्चित तौर से इसका कांग्रेस को लाभ मिलेगा। तो
हमारे साथ में उम्मीदवार भी हैं और साथ में नेता प्रतिपक्ष भी है जो इस पूरी भूमिका में रहने वाले हैं, और लगभग मैं आपको बता दूं कि ये तमाम फॉर्मेलिटीज पूरी कर ली गई थी, क्योंकि कल विधायकों की उपलब्धता समय कम था, इसलिए हमने देखा था कि जो डिनर डुप्लेसी थी दरअसल वो तैयारियां थी, और कहीं ना कहीं ग्वालियर चंबल में ज्योतिरादित्य सिंधिया के सामने एक नया फेस तैयार करने की कोशिश है, और वो अशोक सिंह जी हैं। उनसे एक छोटा सा क्वेश्चन, और सर सिंधिया को आप चैलेंज मानते हैं या आप लोगों को वहाँ से बेहतर रिजल्ट की उम्मीद है भविष्य में और लोकसभा में? अभी भी उम्मीद से थोड़ा कम रिजल्ट मिला है, आगे हम कोशिश करेंगे कि हमारी उम्मीदों के अनुरूप ही रिजल्ट रहे। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी स्ट्रेटजी के तहत ये हुआ है, जैसा कि खुद अशोक सिंह जी और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार कह रहे हैं, हालांकि तैयारियां पूरी हैं और विश्वास भी पूरा है, और साथ में धन्यवाद दिया है शीर्ष नेतृत्व को अशोक सिंह जी ने। कैमरामैन सनी के साथ अनुराग मालवीय, 24/7 भोपाल।